अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी, जिसका नाम भी बहुत यूनिक है और वो है बादशाही मटन। काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है नाम की तरह आपने, तो देख लेते हैं बादशाही मटन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बादशाही मटन बनाने के लिए हमें चाहिए मटन 1 किलो, हड्डी वाला गोश्त लिया है यहाँ पर मैंने, फ्रेश खोया हमें चाहिए 1 पाव, लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, कटी हुई प्याज हमें चाहिए 3 से 4 अदद, काजू चाहिए हमें 50 ग्राम, तिल चाहिए हमें सेसमी सीड्स 2 टेबल स्पून, और हमें चाहिए खशखाश, साबुत खशखाश 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 2 टीस्पून, और हमें चाहिए दही 1/2 किलो, टोमेटो प्यूरी चाहिए हमें 1/2 कप के आसपास, हरी मिर्चें चाहिए हमें 3 से 4 अदद, फ्रेश हरा धनिया चाहिए, और हमें चाहिए लाल मिर्चें पिसी हुई 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और नमक 1 टेबल स्पून। तो चले बादशाही मटन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन गरम करके उसके अंदर डाल दें 1 कप ऑयल, ऑयल में डाल दें कटी हुई प्याज, और आंच को तेज करके प्याज को करेंगे फ्राई, गोल्डन ब्राउन करना है हमें। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। लहसुन अदरक सौते करने के बाद इसमें डाल देंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और टोमेटो प्यूरी, और इन सब चीजों को अच्छी तरह से कर लेंगे फ्राई। मसाला थोड़ा सा भुन जाए तो इसके अंदर डाल दें बकरे का गोश्त और इसको अच्छी तरह से भून लें। तो इन तीनों चीजों को हमें करना है ग्राइंड, जिसमें काजू, खशखाश और तिल, इन सब चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इन तीनों चीजों को कर लेंगे ग्राइंड। तो ये चीजें हमारी हो गई हैं ग्राइंड, काजू, खशखाश और तिल, बिल्कुल बारीक इस तरह पाउडर की फॉर्म में, और अब हम इसको शामिल कर देंगे मसाले के अंदर। मटन हमारा भुन गया, इस भुने हुए मटन के अंदर हम शामिल कर देंगे ये सारी चीजें जो हमने ग्राइंड करके रखी हैं, और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मटन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर अब हमने डालना है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल करें और डालेंगे 1 ग्लास पानी, और इसमें उबाल आने का वेट कर लेंगे, और उबाल आने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे गोश्त गल जाने तक। मटन की ग्रेवी में आ गया उबाल, इसको ढक देते हैं और ढककर हल्की आंच पर गोश्त गल जाने तक हम इसे पकाएंगे। गोश्त को पकते हुए 1 घंटा हो गया है, इसकी गलावट को चेक कर लेते हैं। मटन हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है, टेंडर हो गया बिल्कुल। तो जब मटन अच्छी तरीके से गल जाएगा तो उसके अंदर हम डाल देंगे दही, और ये जो 1 पाव खोया है ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे टुकड़े करके, और तेज आंच पर इसको कर लेंगे फ्राई अच्छे तरीके से। तो तेज आंच के ऊपर मटन को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे, आंच को हल्का कर देंगे बिल्कुल, और सालन को ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए सालन को दम देते हुए, तो मटन हो गया हमारा रेडी, तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। सबसे एंड में हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हरी मिर्चें, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और फ्रेश चॉप हरा धनिया, और 1 मिनट के लिए इसको दोबारा से ढक देंगे ताकि ये जो एरोमा हरे धनिया और हरी मिर्चों का है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए, और उसके बाद हम इसे करेंगे सर्व। सर्विंग करने के बाद दोबारा से हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। तो तैयार हो गई हमारी बादशाही डिश और बारीक चॉप हुई हुई हरी मिर्चें। तो ये तैयार हो गई हमारी डिश बादशाही मटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।